हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट कनिशा। दोस्तों, भूलकर भी शुक्रवार के दिन नहीं खरीदे ये चीजें, वरना माता लक्ष्मी नाराज हो जाएगी, घर से चली जाएगी और रुक जाएगी आपकी बरकत। जी हाँ दोस्तों, बात करें दोस्तों शुक्रवार के दिन कौन सी चीज खरीदना शुभ होता है और कौन सी चीज खरीदना अशुभ माना जाता है। जी हाँ, हिंदू मान्यता के अनुसार शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जी का होता है और इस दिन लक्ष्मी जी को खुश करने के लिए कुछ खास लोग व्रत भी रखते हैं और उपाय भी करते हैं ताकि माँ लक्ष्मी कृपा उन पर सदैव बन रहे। कुछ लोग पूरे विधि विधान के साथ माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करते हैं। दोस्तों, माता लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। जिस भी घर पर इस व्यक्ति पर माता लक्ष्मी कृपा हो जाती है उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। और शुक्रवार के दिन शुक्र देव का, जी हाँ दोस्तों, शुक्र ग्रह का दिन होता है। अगर व्यक्ति पर शुक्र देव की कृपा हो तो उसके जीवन में सुख सौंदर्य और रोमांच से भरा रहता है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो अगर व्यक्ति पर शुक्र देव की कृपा हो तो उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती है। व्यक्ति का जीवन सुख और शांति से बीतता है। शुक्र देव की कृपा पाने के लिए कुछ नियम होते हैं जिसको शुक्रवार के दिन पालन करना होता है। दोस्तों, इस दिन कुछ चीजें होती है जिसका खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे में चलिए जानते दोस्तों इस दिन क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं। दोस्तों, ये जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। दोस्तों, हिंदू मान्यता के अनुसार शुक्रवार के दिन किसी भी प्रकार का किचन का सामान खरीदना अशुभ माना जाता है। साथ ही पूजा पाठ से जुड़ी चीजों को भी शुक्रवार के दिन नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि नहीं आती है, ऐसा करने से घर में बरकत रुक जाती है। दोस्तों, अवश्य ध्यान रखें, शुक्रवार को भूलकर भी प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम ना करें। इस दिन प्रॉपर्टी भी नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन कपड़ों की खरीदारी से माता लक्ष्मी काफी खुश हो जाती है, तो दोस्तों ये बात अवश्य करें। दोस्तों, इस दिन कला, संगीत, गैजेट, सजावट आदि का सामान खरीदने से शुक्रदेव प्रसन्न हो जाते हैं। इस दिन सफेद या सिल्वर कलर का वाहन खरीदना भी शुभ माना जाता है, तो दोस्तों अवश्य खरीदे। दोस्तों, शुक्रवार के दिन पैसों का लेन देन नहीं करना चाहिए। जी दोस्तों, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। मान्यता है कि इस दिन किसी को शक्कर नहीं देनी चाहिए, शक्कर देने से शुक्र ग्रह कमजोर हो जाता है। दोस्तों, जिससे घर में सुख शांति चली जाती है। माँ लक्ष्मी को सफाई बहुत पसंद होती है। ऐसे में घर पर अगर आप माँ लक्ष्मी का वास चाहते हैं तो घर को हमेशा साफ रखें। वैसे तो रोज ही नहा कर साफ सुथरा रहना चाहिए, लेकिन शुक्रवार के दिन घर को और खुद को भी साफ रखें और नहा कर साफ सुथरे कपड़े अवश्य पहने। दोस्तों, अवश्य ध्यान रखना, फटे टूटे पुराने कपड़े पहनकर शुक्रवार के दिन मंदिर में ना जाए, ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। दोस्तों, खासकर शुक्रवार के दिन नए जैसे कपड़े या दोस्तों फटे पुराने कपड़े ना पहने, इससे माता लक्ष्मी काफी नाराज हो जाती है और अपनी कृपा दृष्टि नहीं बरसाती है। दोस्तों, ये बात ध्यान में रखते हैं तो अच्छे कपड़े पहनते, साफ सुथरे कपड़े पहनते हो। यदि आपके घर में स्वच्छता रखते हो और इस दोस्तों शुक्रवार के दिन का पालन करते हो तो आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों, ये बात अवश्य ध्यान रखें। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में जय श्री महालक्ष्मी नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।